अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम फरीद और आप देख रहे हैं GF एडिट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप कैसे अपने मोबाइल के पिक्सआर्ट ऐप से फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो और स्केच बुक से अपने मॉडल के फेस को स्मूथ और ग्लो कैसे कर सकते हो। दोस्तों, आज हम पिक्सआर्ट से मॉडल की शर्ट का कलर चेंज करेंगे और स्केच बुक से मॉडल के फेस को स्मूथ और ग्लो करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर स्केच बुक ओपन कर लेते हैं। स्केच बुक ओपन करने के बाद हम यहाँ पर अपना मॉडल ले आए हैं, मॉडल को इम्पोर्ट कर दिया है। अब इसके हम फेस को स्मूथ करते हैं। स्मूथ करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक ब्रश बार पर जाकर नीचे आकर स्मट में सेकेंड ब्रश सेलेक्ट करना होगा नीचे वाली लाइन का, और इसकी सेटिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी फिलो का आप रखना है 5, स्ट्रेंथ को रखना है 20, साइज अपनी तरफ से आप कर सकते हो। तो यहाँ से हम कटिस करते हैं और मॉडल को जूम करते हैं और इसके फेस पे स्मूथिंग लाते हैं। हम वीडियो फास्ट कर रहा हूँ, तब तक देखते रहिए। चलें दोस्तों, हमने यहाँ पर हमने फेस स्मूथ कर लिया है। अब हम चेहरे पे ग्लो ले आते हैं फेस के। तो ग्लो करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक लेयर बार होती है, लेयर बार पे क्लिक करके हम यहाँ पर प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे को न्यू लेयर मिल जाती है। अब न्यू लेयर लेने के बाद हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर दोबारा ब्रश बार पर जाना होगा और लाइब्रेरी में जाकर एक ट्रेडिशनल में जाकर एक मीडियम ब्रश ले लेना होगा। यहाँ पर हम ये मीडियम ब्रश ले लेते हैं, उसकी सेटिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी ओपेसिटी को 98 रखना है आपको, साइज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब ये करने के बाद हमें यहाँ पर कलर सिलेक्ट करना होगा। हम स्किन कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और कार्टिस करके अपने चेहरे पे पढ़ लेते हैं मॉडल के फेस पे, और इसमें हम थोड़ी वीडियो पास कर देते हैं। दोस्तों, ये करने हमने कर लिया चेहरे पे कलर फिल, और अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, हम यहाँ पर जाते हैं दोबारा लेयर बार पर जो हमने लेयर ली थी इस पर क्लिक करते हैं और इसकी ब्लेंडिंग में जाकर इसको कर देते हैं सॉफ्ट लाइट करने के बाद देखें हमारे चेहरे पर हमारे मॉडल के फेस पे ग्लो भी हो गया है। अगर आपको ज़्यादा वाइट लग रहा है तो आप इसकी ओपेसिटी को भी कम कर सकते हैं, जैसे हम कर देते हैं इसको 60 करने के बाद देखते हैं और कम लग करना है तो आप और कर लें। हम कर लेते हैं दोबारा 40 कर लेते हैं। चलें दोस्तों, 40 करने के बाद हम यहाँ से हट जाते हैं और अब हमारे मॉडल के फेस पे ग्लो भी हो गया और वाइट चेहरे भी आ गया। अब इसको हम कर लेते हैं सेव। सेव करने के लिए हमें यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करना होगा और इसको सेव कर देना, सेव टू गैलरी। ये आपकी गैलरी में सेव हो गया। अब चलते हैं दोस्तों पिक्सआर्ट पे हम इसकी शर्ट का कलर को चेंज करते हैं। चलें अब पिक्सआर्ट पे चलते हैं। पिक्सआर्ट पे आने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, हम इसके मॉडल की शर्ट के कलर को चेंज करते हैं। तो शर्ट को कलर चेंज करने के लिए हमें यहाँ इफेक्ट पे जाना होगा दोस्तों। इफेक्ट पे जाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर जाते हैं कलराइज़ पे। कलराइज़ करने के बाद हम यहाँ पर इरेज का बटन है, इरेज का आइकॉन है, तो इरेज पे क्लिक करके हम इसको कर देते हैं इन्वर्ट और रिस्टोर ब्रश यानी लेके इसके हम शर्ट पे फिल कर देते हैं। तब तक वीडियो फास्ट कर रहा हूँ मैं दोस्तों, तब तक देखते रहिए। दोस्तों, हमने शर्ट पे कलर कर लिया, इसको हम यहाँ से कर देते हैं डन। डन करने के बाद हमें दोस्तों क्या करना होगा, शर्ट का कलर चेंज करते हैं। शर्ट का कलर चेंज करने के इरेज के आइकन पे क्लिक करते हैं और इसके बटन से कलर इरेज कर देते हैं।
ये करने के बाद हम डन करते हैं दोबारा। डन करके दोबारा हम कलर और सही कर लेते हैं हमें कौन से वगैरह। दोस्तों मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, इस पर थोड़ा सा फेड ही जाता है। अब ये करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अप्लाई कर देना होगा। ये हमारी शर्ट पे कलर भी हो गया है और अब हम इसके बैकग्राउंड पे कलर करते हैं। बैकग्राउंड कलर करने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं टूल्स बार पे। टूल्स बार पर जाके एडजस्टमेंट में जाके इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा बढ़ाने के बाद हम बढ़ा देते हैं अभी फुल और जाते हैं इरेज के आइकन पे और यहाँ से इसको कर देते हैं इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद रिस्टोर से बैकग्राउंड पे फिल कर देते हैं। जब तक वीडियो फास्ट कर रहा हूँ मैं। ये करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से यहाँ पर भी कर लेते हैं थोड़ा और यहाँ से हम डन करते हैं। डन करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसके ब्राइटनेस को हम थोड़ा कम कर देते हैं। ब्राइटनेस को हम माइनस में ले आते हैं, माइनस 15 कर देते हैं। 15 करने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, कंट्रास्ट पे जाकर इसकी कंट्रास्ट को बढ़ा देते हैं कम अज़ कम 30 करने के बाद इसकी क्लैरिटी को फुल क्लैरिटी को 80 कर देते हैं। 80 करने के बाद इसकी सेचुरेशन को भी प्लस कर देते हैं, प्लस 30 कर देते हैं। प्लस 30 करने के बाद इसकी हुई पे जाके इसके कलर चेंज कर सकते हैं आप। हम कलर करते हैं 30 पे। कटिंग करने के बाद इसके हम शेडो पे जाते हैं दोस्तों। शेडो पे जाके इसको माइनस कर देते हैं, माइनस 50 कर देते हैं। 50 करने के बाद हाईलाइट पे जाकर इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस 30 कर देते हैं हाईलाइट को। टेम्परेचर पे जाके इसको प्लस कर देते हैं थोड़ा, प्लस 10 कर देते हैं और इसको यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों ये हमारी हो गई है बैकग्राउंड कलर चेंज और मॉडल की शर्ट का कलर चेंज। अब हम इसको फुल एचडी में सेव करते हैं। फुल एचडी में सेव करने के लिए यहाँ पर हम ड्रॉ पे जाते हैं। ड्रॉ पे जाने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद इसको हम सेव इमेज करते हैं। ये हमारी फुल एचडी में सेव हो गई। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।